क्या सोहम मंत्र का श्वास साधना में उपयोग किया जा सकता है? किया जा सकता है खतरों का स्मरण रखते हुए। कुछ लोग हैं जो मंत्र जाप को पकड़ लेते हैं तो फिर करते ही चले जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, और जो असली बात थी वो वाली बात नहीं हो पाती। तो जैसे मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं एक प्रॉपर डोज में, एक प्रॉपर मात्रा में, खास समय तक, हमेशा के लिए नहीं है वो दवाई, थोड़े दिन उसका उपयोग करते फिर जैसे स्वस्थ हो गए छोड़ दो। तो ठीक ऐसे ही मंत्र का उपयोग किया जा सकता है स्वयं में स्थित होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। तो उसको समझना होगा, आप चाहें तो कोई मौखिक मंत्र जाप कर लें, फिर सोहम। सोहम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भीतर की ध्वनि ओम से, अनाहत नाद से बहुत मिलता जुलता है। सांसों में जो आवाज हो रही है वो करीब करीब ऐसी है जैसे कि भीतर आवाज आती, आवाज में आ रही हो सो, बाहर जाती सांस में आवाज आ रही हो ओ, भीतर जाती सांस में आवाज आ रही हो सो, बार बार सो हम, सो हम। ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम सबके नाक के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, नाक के पीछे जो स्पेस है वो अलग अलग है, तो ध्वनि सबको अलग अलग सुनाई देगी। ऐसा जरूर नहीं कि सबको सो और हम सुनाई दे। अगर आप गौर से सुने सांस की आवाज को तो कुछ कुछ ऐसा सुनाई देगा, नॉट एग्जैक्टली सो, किसी की नाक लंबी है, किसी की चपटी है, किसी की चौड़ी है, किसी की सकरी है, तो अलग अलग प्रकार की आवाज पैदा होगी उस सांस गुजर रही है। ठीक वैसा ही गले में भी भिन्नता हो जाती है, तो एग्जैक्टली ऐसी आवाज नहीं लेकिन एक मिलती जुलती आवाज। तो सोहम में इस बात पर जोर है कि चाहे आप शुरुआत 2-4 मिनट बोल के कर लेना, फिर छोड़ देना, फिर सुनना, सांस की आवाज को सुनना। तो ये विपस्सना के साथ साथ चल सकता है, इसको भी थोड़ी देर ही करना, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि असली बात क्या है, अब 2 सांसों के बीच के अंतराल में, गैप में, वहां तो कोई आवाज नहीं होगी। जब सांस आ रही है जा रही है तो नॉस्ट्रल से, गले से, वोकल कार्ड से, ब्रोंकियल में टकरा रही है सांस के पथ से, लेकिन जब सांस चल ही नहीं रही उस मोड़ के बिंदु पर, वहां तो कोई आवाज नहीं हो सकती, वहां भी एक आवाज है, अब उसको सुनो। तो सोहम से खिसक के हम ओम में पहुंच जाएंगे, तो ये उसका उद्देश्य है। अगर कोई इसको समझदारी से करता है तो यह भी अच्छी विधि है और इसका उपयोग किया जा सकता है। खतरे का याद रखना, ऐसा ना हो कि हम सोहम सोहम अपना कर भी जा रहे हैं और सुन ही नहीं रहे। तो इसलिए कई लोगों ने श्वास की विधि को अजपा जाप भी कहा है, ओंकार को भी अजपा जाप कहा है, सांस की विधि को भी कहा है। पुराने जमाने में लोगों ने स्थूल चीजें बनाई थी, माला है उसके गुरिया खिसका रहे हैं और मंत्र जप रहे हैं, हर गुरिया के साथ एक मंत्र कह रहे हैं, तो उससे तो अच्छा फिर है कि सांस की माला चली रही है, अलग से क्या माला फेरना। तो उसने मना किया, माला फेरने की जरूरत नहीं, सांसों की माला चल रही है, तुम इसका उपयोग कर लो, अगर हो मंत्र के शौकीन तो चलो कर लो, सबसे अच्छा है कि कुछ ना करो। लेकिन अगर बेचैनी हो, कुछ करना ही चाहे तो सीधा सीधा नहीं, दृष्टा भाव में डूब पाते, 3-4 मिनट 5 मिनट सोहम, फिर उसको छोड़ दो, फिर ओंकार की ध्वनि सुनो, सांस को देखो।